दोस्तों 50-20 मैच, जैसा कि आपको मालूम है, डिसाइडर मुकाबला है। दो दो से दोनों टीम बढ़त में है, यानी कि इक्वल है, और पांचवा मैच डिसाइड करेगा ये पांचवा T20 कि कौन सी टीम इस सीरीज का कप उठाएगी, पांच T20 का। तो वीडियो को लास्ट में तो बने रहना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अपडेट, ऐसे डिटेल्स आपको मिलेंगे। टीम ग्रांड लीग टीम भी मिलेगा, तो सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, आप स्किप मत करना। बात करेंगे 19 जून को संडे को मैच खेला जाएगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे पहले तो मेरा टेलीग्राम का लिंक ध्यान में रखना, फर्स्ट कमेंट में मिलेगा आपको, यहाँ पे मैच कराए जाएंगे, तो जाइए ज्वाइन हो जाइए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पिच की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मैच देखा जाए तो 7 मैच हुए हैं, 7 में से 2 फर्स्ट बैट और 5 सेकेंड बैट जीते, चेसिंग करते हुए नजर आई है। और डोमेस्टिक यानी कि IPL और यहाँ पे कर्नाटका प्रीमियर लीग भी इस पिच पे होते हैं, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड देखोगे तो चेसिंग के फेवर में बहुत सारे मैच यहाँ पे होते हैं। थोड़ा शॉर्ट बाउंड्री है और इस पिच की खासियत है, थोड़ा आउटफील्ड बहुत ही तेज है और पिच भी बहुत ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पे अच्छे स्कोर बनते हैं। 180 से इजिली यहाँ पे 180 फर्स्ट इनिंग में स्कोर लग सकता है, टॉस में सेकेंड बैट के साथ जाएगा। और इंडिया के देखो, इंडिया ने अभी तक 4/4 टॉस हारी है, तो डेफिनेटली अगर टॉस जीतती है, बहुत चांसेस है इंडिया के जीतने का, टॉस जीतती है तो यहाँ पे मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया की परफेक्ट टीम है, चेसिंग करते हुए मैच जीत सकती है। टीम न्यूज इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत, कोई इंजरी नहीं है, फोर्स नो फोर्स टू चेंज 11 रहेगा। और साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा भामुमा पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, रिटायर्ड हर्ट हुए थे, दोबारा खेलने भी नहीं आए, और बहुत कम बैट्समैन लेके खेल रही है साउथ अफ्रीका का टीम। लास्ट मैच में अगर रिप्लेस इनको कर सकते हैं, अगर इंजर्ड रहते हैं तो रिप्लेस करते हैं रिजा हैंड्रिक या ट्रिस्टन स्टफ कर सकते हैं, ज्यादा चांस है रिजा हैंड्रिक टेम्बा भामुमा की जगह पे खेले। केशव महाराज अगर टेम्बा भामुमा नहीं खेलेंगे, केशव महाराज लीड करेंगे स्क्वाड को। कगिशो रबाडा पिछले मैच में इंजर्ड थे, तो निगेडी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं खेलेंगे तो निगेडी अपना कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों, यहाँ पे 18 में से 11 मैच यहाँ पे इंडिया ने जीत लिए और साउथ अफ्रीका के साथ। इस पिच पे एक मैच हुआ, लास्ट मैच अगर इंटरनेशनल मैच, लास्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 2019 में हुआ था सितंबर के आसपास, और यहाँ पे 139 पे बना ही पाई थी, जहां साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पे इजिली चेस कर लिया था। तो ये तो रिकॉर्ड्स रहे। अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका और इंडिया अगर देखो तो दोनों टीम अच्छे फॉर्म में है, हालांकि साउथ अफ्रीका कुछ यहाँ पे वीकनेस है कि यहाँ पे इनके एडम मार्कम बैट्समैन थे, टेम्बा बाउंगा भी इंजर्ड हो गए, रिजा हैंड्रिक भी नहीं खेल रहा है, कगिशो रबाडा भी मेन मेन प्लेयर जो कि है वो नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है। की प्लेयर्स देखो तो की प्लेयर्स पंत ऐसे फॉर्म में है नहीं, और जो कि आप फैंटेसी टीम क्रिएट करते हो तो दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार जो कि इंडिया की तरफ से जरूर पिक कीजिएगा। साउथ अफ्रीका तो डिकॉक, रासी, वांडर डुसन, डेविड मिलर, एंड्रेस नोकिया, निगेटिव भी अच्छा करते हुए नजर आते हैं, तो आप जरूर पिक कीजिए। फिर से बोलूंगा, मेरा व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, ज्वाइन कीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पे ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों ड्रीम टीम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैं बनाने वाला हूँ, आप यहाँ पे डिकॉक पिछले मैच में रिटर्न किए हैं, इंजर्ड थे लेकिन आ गए हैं, लेकिन ज्यादा रन नहीं बना पाए, 20 के आसपास रन बनाए थे। डिकॉक और दिनेश कार्तिक दोनों अच्छे फॉर्म में, इनको पिक कीजिएगा। ईशान किशन, आसिफ वांडर डुसन, डेविड मिलर और श्रेयस अय्यर जो कि आपको टीम यहाँ पे बनाते समय ध्यान में रखना है। बैट्समैन बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन को लेकर चलिए। बाकी ऑलराउंडर में बात करें, हार्दिक पांड्या आप अच्छे हैं, और अगर साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर लो तो प्रिटोरियस को जो कि पिछला मैच में नहीं खेला था, और प्रिटोरियस के साथ जा सकते हो। पिछला मैच में खेले थे लेकिन उतना से कोई खासा परफॉर्म नहीं था, स्पिन गेंदबाज है, वेन पर्नेल नहीं खेले थे पिछले मैच में। अब वही बात करेंगे और बॉलिंग में युजेंद्र चहल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, NH नौकिया आपको पिक करना है। ड्रीम टीम बनाते समय मैं कैप्टन बनाऊंगा यहाँ पे हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ जाना चाहूंगा। बाकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ड्रीम 11 का अलग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए ज्वाइन हो जाए, वहां पे दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तमिलनाडु प्रीमियर लीग का वीडियो इस चैनल पे आ गया है, आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, तो जरूर देखिएगा। TNPL का पूरा अपडेट आपको दे दिया गया है।